मेरा नाम पंकज मौर्य है। स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का एक नए वीडियो में। दोस्तों मैं आज आप सब लोग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो बताने वाला हूँ। दोस्तों आप लोगों कोई ना कोई एक चैनल होगा, दोस्तों आप लोग कोई वीडियो कंटेंट क्रिएटर जरूर होंगे। दोस्तों मैं मानता हूँ आप लोग 100 में से 90% जितने मेरे व्यूअर है वो एक यूट्यूबर ही है। मैं ये जानता हूँ दोस्तों कोई ना कोई ब्लॉग बनाता होगा या कोई दोस्तों टेक की वीडियो बनाता होगा, जैसे मैं टेक की वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों आप लोग अपने चैनल का नाम सर्च करते होंगे, दोस्तों आप लोगों के चैनल का नाम सर्च में नहीं आता होगा, आप लोग काफी टाइम से देखते होंगे। दोस्तों मैं आज आप सब लोगों को यही बताने वाला हूँ, दोस्तों आप लोग जो अपने चैनल का नाम सर्च करते हैं दोस्तों सर्च में कैसे आएगा। अगर दोस्तों आप यूट्यूब पर अपने चैनल का नाम सर्च करेंगे दोस्तों आप लोग चैनल पहले आएगा। आप लोग बगल में देख सकते हैं कि मैं अपने चैनल का नाम सर्च करता हूँ मौर्य जी चीज, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा चैनल का नाम आ जा रहा है, मतलब कि जो मेरा चैनल है वो सर्चिंग है। दोस्तों मुझे लोग देख रहे हैं, दोस्तों मुझे लोग पसंद कर रहे हैं। और दोस्तों आप लोग एक और देख सकते हैं बगल में मौर्य जी ब्लॉग, दोस्तों ये भी आप लोग देख सकते हैं ये भी सर्च में है। तो दोस्तों ये दोनों नाम मेरे चैनल का ही है। और दोस्तों आप लोग पहले से मेरे चैनल पर जुड़े होंगे, दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों ये मेरे चैनल मेरे ब्लॉग का चैनल था। अब दोस्तों इसके टेक का चैनल बना दिया हूं, क्योंकि दोस्तों मुझे ब्लॉगिंग में मजा नहीं आता था जितना दोस्तों मुझे टेक वीडियो बनाने में मजा आता है। अब दोस्तों आप लोग कैसे अपने चैनल को सर्च में ला सकते हैं, दोस्तों आप लोग चैनल जब सर्च में आता है उससे क्या क्या फायदा होता है, दोस्तों आप लोग कितना फायदा उससे मिलता है। मान लीजिए दोस्तों अगर आप लोग कोई चैनल सर्च में चला जाता, सर्च में दोस्तों चला गया जैसे कोई आपका व्यूअर आया, दोस्तों आप लोग चैनल सर्च किया, दोस्तों अगर आपका चैनल सर्च में होगा ही नहीं दोस्तों आपकी वीडियो कैसे देखेगा। दोस्तों अगर आप लोग जैसे कोई आपका दोस्त हुआ या कोई आपका घर परिवार हुआ तो आप लोग सर्च करते हैं और दोस्तों आप लोगों का चैनल ही नहीं आता है, दोस्तों इससे आप लोग इंप्रेशन डाउन होता है। और दोस्तों मान लीजिए कोई आपकी वीडियो देखना भी चाहता है तो दोस्तों आप लोग वीडियो को कैसे देखेंगे, तो दोस्तों आपका चैनल सर्च में भी नहीं है दोस्तों आपका वीडियो कैसे देखेगा। दोस्तों यह चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होता है, आपका सबसे पहले कोई चैनल ग्रो हो या ना हो सबसे पहले आप लोगों का चैनल सर्च में आना चाहिए। दोस्तों कैसा भी आप लोग चैनल हो मेन चीज आपका सर्च में आना चाहिए। अगर दोस्तों मान लीजिए आपका चैनल सर्च में आ गया है 10-15 लोग आप लोगों की वीडियो देख लेते हैं, दोस्तों सर्च में आ गया आपका चैनल सर्च किया 10-15 लोग आपकी वीडियो देख लिया, दोस्तों अगर आप 10-15 लोग आपकी वीडियो देख लेते हैं दोस्तों 100% गारंटी देता हूँ दोस्तों आप लोग यूट्यूब जो होता है आपका इंप्रेशन आगे भेजे रखता है। दोस्तों यूट्यूब क्या समझता है ये चैनल इम्पोर्टेंट है, लोग इसे आके सर्च करके देख रहे हैं, यूट्यूब भी क्या समझेगा और लोग इसे देखें, इसे दोस्तों आप लोग चैनल का इंप्रेशन बढ़ाने लगता है, दोस्तों आपकी वीडियो का इंप्रेशन बढ़ाने लगता है। दोस्तों मेरा भी चैनल पहले ऐसे ही था, सर्च में नहीं आता था, फिर दोस्तों मैंने कई चीज सीखते मैं सीख गया दोस्तों कैसे अपने चैनल को सर्च में लाया जा सकता है। तो दोस्तों मैं सीखा, दोस्तों मैं सीखने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि मेरी वीडियो काफी ज्यादा व्यूज भी आ रहे हैं, हमें दोस्तों सर्च से आ रहा है, लोग मेरे चैनल पे से जाके मेरी वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पर और दोस्तों आप लोग वही बताऊंगा कैसे हम लोग अपने चैनल को सर्च में ला सकते हैं। दोस्तों मैं अभी आ चुका हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, दोस्तों आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर सिर्फ एक सेटिंग करना है, दोस्तों एक सेटिंग कर लेंगे दोस्तों आप लोगों का चैनल भी सर्च में आने लगेगा। दोस्तों हम लोग चलिए वो सेटिंग आपको बताता हूं, दोस्तों वो सेटिंग आपको क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहां पे क्रोम ब्राउजर दिख रहा होगा, दोस्तों आप लोगों को उसको ओपन कर लेना है, जैसे दोस्तों मैंने यहां पे ओपन कर लिया हूं। और दोस्तों आप लोगों को ऊपर लिखना है यूट्यूब लॉगिन, जैसे दोस्तों आप लोग अपने यूट्यूब को लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब लॉगिन सर्च करेंगे दोस्तों आप लोगों को एक नीचे नया पेज दिख जाएगा, दोस्तों यहाँ पे लिखा रहेगा साइन इन, दोस्तों आप लोगों को इस पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आप इधर थोड़ा सा क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, फिर दोस्तों आप लोगों को रिडायरेक्ट यूट्यूब के पेज पे ले जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आप लोग दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा आइकन, दोस्तों आप लोगों को इस पे क्लिक करना है। दोस्तों इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे योर चैनल दिख रहा है, दोस्तों आप लोग इस पे क्लिक कर लेना। तो दोस्तों आप लोग इस पे क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिख जाएगा कस्टमाइज चैनल, दोस्तों आप लोगों को इस पे क्लिक कर लेना। दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक कर ले रहा हूँ, क्लिक पर क्लिक करते ही आप लोगों को जो आपका वाचो स्टूडियो होता है आप लोग यहाँ पे खोल देगा क्रोम के अंदर। फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे नीचे आप लोगों का एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा,
जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बड़ा किया है, और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाए। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने पर थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा, फिर दोस्तों इसके बाद आप लोग यहाँ पे दूसरा नंबर मिल जाएगा चैनल। दोस्तों आप लोगों यहाँ पे चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे एक कीवर्ड लिखने का ऑप्शन मिलता है। सारा काम दोस्तों आप लोगों को यहीं पे करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोग पहले देख सकते हैं कैसे मैंने यहाँ पे किया हूँ। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है पंकज मौर्य ब्लॉग, पंकज मौर्य टीच, मौर्य जी टीच, टेक्स्ट टेम्पलेट सपोर्ट। दोस्तों कई सारे चैनल यहाँ पर नाम लिखा हूँ, और दोस्तों सबसे ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे मेरे चैनल का नाम दिखेगा। दोस्तों इसी तरह से अपने चैनल का नाम लिख लेना। जैसे दोस्तों मेरा चैनल है मौर्य जी टीच, लेकिन दोस्तों मैं आप लोग दिखा दूँ मैंने यहाँ पे कैसे लिखा हूँ। जैसे यहाँ पे लिख मौर्य जी ब्लॉग, फिर मौर्य जी ब्लॉग। दोस्तों आप लोग इसी दोहरा दोहरा कर दोस्तों आप लोग लगभग 6-7 दोस्तों आप लोग कीवर्ड यहाँ पे डाल देंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे कीवर्ड डालने के बाद आप लोग यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, दोस्तों आप लोग इसे क्लिक कर देंगे। दोस्तों क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो आप लोगों की यहाँ पे पूरी सेटिंग हो गई है। अब दोस्तों आप लोग अपने चैनल को ओपन करना है। दोस्तों 3-4 मोबाइल से आप लोगों अपने चैनल को सर्च करके देखना है। वीडियो 3 या 4 बार आप लोगों को अपने चैनल को सर्च कर करके देखना है। तब दोस्तों आप लोग 24 घंटे बाद आप लोग यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और आपके चैनल भी सर्च में आने लगेगा। ये छोटी सी सेटिंग थी जो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया, और दोस्तों आप लोग ऐसे सेटिंग करेंगे दोस्तों आप लोग भी चैनल सर्च में आने लगेगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आप सब लोगों को कोई एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए।